भारत के पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से हर रोज भारत के खिलाफ एक से बढ़कर एक साजिश रच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भी भारत से हर मोर्चे पर टकराना चाहता है। इसलिए भारत ने अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने शत्रु नाश मिशन की शुरुआत कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर राजस्थान के थार रेगिस्तान में शत्रु नाश नाम का युद्ध अभ्यास किया है, और जिस समय इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अपने घातक हथियारों को लेकर थार रेगिस्तान में पहुंची थी, तो कुछ देर के बाद ही पूरा का पूरा रेगिस्तान कांप उठा था। और आपको बता दें कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस खतरनाक युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया, और रसिया और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भारतीय सेनाओं ने शत्रुओं का नाश करने के लिए अलग अलग तरीके से और अपने शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए अंधाधुंध गोले दागे। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इस युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रहे थे, तो थार रेगिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बवंडर आ गया हो। और इस शत्रुनाश युद्ध अभ्यास का सिर्फ एक ही मतलब था कि जब भारत की सेना दुश्मन से युद्ध लड़ने जाएगी, तो युद्ध के दौरान दोनों ही सेनाओं का तालमेल कैसा होगा, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेनाओं की रणनीति बहुत जरूरी है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शत्रुनाश युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों ही सेनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं एक तरफ इंडियन एयरफोर्स अपने खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट रफेल तेजस सुखोई और आर्मी एविएशन के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा के साथ मौजूद थी, और वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी भीष्म T-90 टैंक, अजीत T-72 टैंक, K-9 ब्रज और सारंग आर्टिलरी स्पेशल फोर्सेस के साथ मौजूद थी। और भारतीय सेनाओं ने भी अपने स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा विश्वास दिखाते हुए स्वदेशी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। और युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों ही सेनाओं के बीच में एक जबरदस्त तालमेल देखने को मिला, जिसे देखकर भारतीय सेनाओं के चीफ भी खुशी से गदगद हो गए। और दोस्तों, अगर आप लोग भी भारतीय सेनाओं के इस शौर्य और पराक्रम से खुश हो, तो यार कमेंट बॉक्स में जय हिंद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।